जो एरिया है यहाँ पे ये वाटरफॉल बनाया जा रहा है। लिविंग एरिया और किचन की तरफ ये विंडो रखी गई है। यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत और बड़े साइज में यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया गया है। फॉल सीलिंग हर वॉशरूम के अंदर की गई है। शावर बॉक्सेस, सील जो कमोड है वो इसमें यूज किए जा रहे हैं पूरे घर के अंदर। ड्राइंग रूम दिया गया है, गेस्ट रूम भी आप इसे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफा इस्लाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची के अंदर हम प्रिसन 7 में मौजूद हैं और आज आपको बड़ा एक यूनिक प्रोजेक्ट हम दिखाने जा रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ये हमारा प्रोजेक्ट है और 1000 स्क्वायर यार्ड का ये प्रोजेक्ट है। इसकी कुछ डिटेल्स पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर आप अपनी मर्जी की कोई भी एलिवेशन उठाएँ और आप बहरिया टाउन से अप्रूव करवा लें, जबकि बाकी जितने भी साइजेस के प्लॉट्स होते हैं जो आप घर बनाना चाह रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास एलिवेशन की लिबर्टी नहीं होती। तो 1000 स्क्वायर यार्ड की वो कैटेगरी है जहाँ पे आपकी एलिवेशन की लिबर्टी स्टार्ट हो जाती है। 500 के अंदर भी लिबर्टी स्टार्ट होती है, लेकिन उसके अंदर भी बहरिया टाउन क्या करता है कि आपको एक 10-15 एलिवेशन आपको देता है कि आप उसके अंदर जो मर्जी चूज़ कर लें। उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि उस स्ट्रीट के अंदर कौन सी एलिवेशन पहले चूज़ हो चुकी है। आप हर विला की वहाँ पर एलिवेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो 10-15 एलिवेशन के अंदर से ही आपको चूज़ करना होता है। उससे हट के अगर आप कोई भी एलिवेशन देते हैं तो वो फिर हायर मैनेजमेंट की अप्रूवल की तरफ जाती हैं, उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं और एट द एंड मोस्टली वो रिजेक्ट ही हो रही होती हैं। 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर ये है कि इसको एज अ फार्म हाउस के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। आप एलिवेशन जो भी करना चाहें वो आप एलिवेशन चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आप उसका 50% एरिया कवर्ड करें और 50% एरिया को आपने फिर ओपन छोड़ना होता है। एक घर के अंदर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एक लग्जरी घर जिसे आप कंसीडर करते हैं, 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर आप वो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए आपको इस घर का टूर करवाते हैं। सबसे पहले ये मेन एलिवेशन है जो आपको नज़र आ रही है और जो मेन गेट है वो MS का बनाया गया है। इसके बाद ये इसका गैराज आ जाता है जहाँ पर ईज़िली 2-3 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की जा सकती हैं। डिज़ाइनर घर है ये। गैराज के साथ का ही जो एरिया है यहाँ पे ये वाटरफॉल बनाया जा रहा है। टाइल्स वर्क यहाँ पे हो रहा है इस टाइम पे। मेन एंट्रेंस है ये विद डबल हाइट लॉबी और इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ये ड्राइंग रूम का एरिया आ जाता है। काफ़ी स्पेशियस ये ड्राइंग रूम है और इसकी जो फ्रंट साइड पे है वो काफ़ी बड़ी विंडोज़ भी दी गई हैं। एल्युमिनियम विंडोज़ इसमें यूज़ की गई हैं ओवरऑल पूरे घर में विद वाइट ग्लास और इससे आपको बड़ा खूबसूरत फ्रंट का आपको वाटरफॉल का व्यू भी आएगा यहाँ से। तो आइए चलते हैं घर के दूसरे पोर्शन की तरफ। ड्राइंग रूम के बिल्कुल अपोजिट साइड पर छोटा सा पाउडर रूम दिया गया है और इस पाउडर रूम के साथ फिर आगे डाइनिंग का एरिया दिया गया है। ये डाइनिंग का एरिया है इस जगह पे और पार्टीशन करके किचन का एरिया जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको किचन की जो स्लैब है वो नज़र आ रही है, इस जगह पे किचन बनाया जाएगा और इसी तरह से फिर किचन के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये डर्टी किचन का एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये डर्टी किचन का एरिया है सारा और इसकी फिर एग्जिट दिया गया है ओपन एरिया की तरफ। लिविंग एरिया और किचन की तरफ ये विंडो रखी गई है। ये वेंटिलेशन का पॉइंट है, यहाँ पे पूरी ओवरऑल पूरे घर की वेंटिलेशन होगी ग्राउंड फ्लोर की और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा काफ़ी बड़े साइज़ में यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिया गया है। ग्रे इसका कंप्लीट हो चुका है, टाइल वर्क इसका स्टार्ट है, बहुत सुन इसका टाइल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर का ये फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के साथ कवर्स का एरिया और कवर्स के एरिया के साथ फिर इसका वॉशरूम, अटैच वॉशरूम आ जाएगा जिसमें कंसील्ड कमोड दिए जा रहे हैं और वैनिटी और पेशावर बॉक्सेस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक स्टोर रूम किया गया है जिसमें घर का मटेरियल इस टाइम पे पड़ा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ओवरऑल 3 बेडरूम दिए गए हैं। एक बेडरूम का हमने आपको विजिट करवा दिया है, सेकंड मास्टर बेडरूम आ जाता है। इस मास्टर बेडरूम से वेंटिलेशन भी होगी
कमरे की, बेडरूम की, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अटैच जो मास्टर बेडरूम है वो भी दिया गया है। इस जगह पे जो आप देख रहे हैं ये कवर्स का एरिया है, इस जगह पे कवर्स आ जाएंगी अप टू रूफ तक, बड़ी अच्छी खासी एक कवर्स का एरिया है। इसी के साथ साथ फिर यहाँ पे वैनिटी, कमोड और यहाँ पे जो कोजी का एरिया आ जाता है। अभी मूव करते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर हॉस्पिटल का ये थर्ड बेडरूम है, और इस बेडरूम अच्छे खासे बेडरूम के साइजेस हैं, और इसके साथ ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कवर्स आ जाएंगी, अटैच कवर्स बेडरूम के अंदर, और काफ़ी स्पेशियस हम देख रहे हैं कि हर जो बेडरूम है उसके साथ काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम्स दिए गए हैं। अब तो रूफ तक यहाँ पे टाइल्स यूज़ की गई हैं, कलर स्कीम काफ़ी अच्छी चूज़ की गई है, फॉल सीलिंग हर वॉशरूम के अंदर की गई है, शावर बॉक्सेस हर वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। फॉल सीलिंग देखें तो काफ़ी आपको खूबसूरत फॉल सीलिंग, बड़ी सिंपल सी फॉल सीलिंग है, बड़ी यूनिक किस्म का एक आपको पूरी लाइन में फॉल सीलिंग जाती नज़र आ रही है। अभी मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट फ्लोर, हम आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाते हैं। ये स्टेयर केस का एरिया है 1000 स्क्वायर यार्ड के अंदर, स्टेयर केस भी अगर आप देखें तो बहुत एक अच्छी खासी स्पेस के अंदर स्टेयर केस के एरिया को कवर किया गया है। इसकी दो एंट्रेंस दी गई हैं, एक जो लेफ्ट साइड की एरिया है जहाँ पे ये स्पेस ओपन स्पेस छोड़ी जाती है, ये बैरियटाउन के एसओपीज हैं कि आपने छोड़नी ही छोड़नी है, और इनकी डायमेंशंस दी जाती हैं। यहाँ से एक तो इसकी एंट्रेंस दी गई है और सेकंड एंट्रेंस इसकी घर के अंदर की तरफ से दी गई है। ये बेसिकली टू यूनिट इस घर को बनाया गया है, डबल यूनिट इसको बनाया गया है कि अगर अपर पोर्शन पे कोई सेपरेट फैमिली रहना चाहे या दो भाई हैं तो अलग अलग पोर्शन पर रहना चाहें तो वो इन दो अलग पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, और आपकी प्राइवेसी भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। ये लिविंग एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, और इसी के साथ साथ अगर आप लिविंग एरिया के साथ देखें जो स्लैब आपको डली हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे इसका किचन बनाया जाएगा, किचन के साथ फिर इसकी पार्टीशन कर दी जाएगी। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ से आप विंडो स्लाइडिंग विंडो होंगी और यहाँ से पूरे घर की फर्स्ट फ्लोर की वेंटिलेशन हो रही है। बिल्कुल टॉप फ्रंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक ड्राइंग रूम दिया गया है, गेस्ट रूम भी आप इसे कह सकते हैं। अगेन फ्रंट वाली साइड पे पूरी विंडो दी गई है, काफ़ी बड़े साइजेस की इस घर के अंदर विंडो हैं, अच्छी खासी वेंटिलेशन और बड़ा खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से दिखने को मिलता है। ये डाइनिंग का एरिया आ जाएगा इसी तरह से, डाइनिंग के ऊपर ही ऑलमोस्ट ये डाइनिंग का एरिया ये आ जाता है। और इस घर का टेरेस दिखाते हैं आपको, डबल हाइट लॉबी की वजह से यहाँ पे जो टेरेस का एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पे टेरेस दिया गया है। और यहाँ से टेरेस का व्यू, इसके बिल्कुल सामने आपको बड़ी बैरिया टाउन की बनी हुई बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, बैरिया हाइट्स का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। फॉल सीलिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइन फॉल सीलिंग का डेफिनेटली कस्टमर की मर्ज़ी है, वो जिस तरह का चाहें चूज़ कर सकते हैं। जो टाइल का कलर सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा टाइल का कलर चूज़ किया गया है। ये कवर्स का एरिया है ये जो इस टाइम पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कवर्स बनेंगी जब वुडवर्क स्टार्ट होगा, और इसी के साथ अटैच वॉशरूम है। हैंगिंग कमोड यूज़ किए गए हैं, कंसील्ड जो कमोड्स हैं वो यहाँ पे लगेंगे। इसी के साथ साथ फिर साथ में शावर बॉक्स का एरिया आ जाएगा, शावर बॉक्स के साथ इस तरफ इसका वैनिटी यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो स्टोरूम है वो भी एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, बिल्कुल स्टोरूम के ऊपर स्टोरूम दिया गया है, सेम वही फ्लोर प्लान ग्राउंड फ्लोर का कॉपी किया गया है। ये बेडरूम है ऊपर, सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी
कबर्ड्स का एरिया दिया गया है और कबर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे अटैच वॉशरूम का एरिया है। अप टू रूफ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉशरूम के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, फॉल सीलिंग की गई है और कंसील जो कमोड हैं वो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं पूरे घर के अंदर। यहाँ पे आपको वुडन टाइप फ्लोर नज़र आ रहा है, ये टाइल्स हैं बेसिकली, लेकिन इनका जो कलर थीम है, कलर स्कीम है, वो वुडन चूज़ की गई है। विंडो है वो स्विमिंग पूल की तरफ ही ओपन की गई है, ये भी यहाँ से वेंटिलेशन होगी सारी घर की, ये विंडो दी गई है। और इसके साथ साथ सेम साइज का मास्टर वॉशरूम भी कॉपी किया गया है, जैसा ग्राउंड के ऊपर बनाया गया है उसी साइज़ का जो वॉशरूम है वो इस जगह पर बनाया गया है। वॉशरूम के अंदर जो टाइल का कलर थीम है वो बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है, ग्रेनाइट टाइप ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पे टाइल्स नहीं ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कवर्स आएंगी ओवरऑल, कवर्स के साथ फिर ऑपोजिट साइड पे वैनिटी कमोड इस सारा एरिया आ जाता है, ये कमोड का एरिया है और फिर ये दूसरी तरफ जकोजी का एरिया आ जाता है। ये 1000 स्क्वायर यार्ड का विला था जिसका हमने आपको टूर करवाया है बहरिया टाउन कराची के अंदर। अगर आप 1000 स्क्वायर यार्ड का विला कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो ग्रे है वो ऑलमोस्ट आपका 3000 से 3500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर ग्रे बनता है। और उसके साथ साथ फिर क्योंकि फिनिशिंग, आप 1000 स्क्वायर यार्ड या किसी भी विला की फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइस फिनिशिंग की तब तक लॉक नहीं हो सकती या तब तक डिफाइन नहीं की जा सकती जब तक आप उसके अंदर फिनिशिंग मटेरियल नहीं डिफाइन कर लेते। तो डेफिनेटली 1000 स्क्वायर यार्ड का विला बनाने वाला ऑनर है, जो मालिक है, वो डेफिनेटली एक यूनिक किस्म की फिनिशिंग भी चाह रहा होता है, तो इसलिए 1000 स्क्वायर यार्ड की जो फिनिशिंग है उसको पहले से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर आप अपने विला की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या फिर आप विला की सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।